तो गाइस हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील के सीजन 3 के 112 से भी ऊपर एपिसोड अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स द्वारा दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और फोन नंबर से लॉगिन करके पेमेंट कर दीजिए। फोन नंबर से लॉगिन इसलिए ताकि अगर भविष्य में आप कभी निकल जाए तो फिर से आसानी से ज्वाइन हो सके। तो चलिए एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह नाइट टेम्पल के हेडक्वार्टर से निकलकर नाइट सेंट माउंटेन की तरफ जा रहा होता है, क्योंकि लॉन्ग हाउचेन को वहां से अपने लिए एक बिस्ट पार्टनर को चुनना था। मास्टर यांग आवा ने लॉन्ग हाउचेन से बोला था कि वह अपने 10 मिलियन क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न करने के लिए वह हायू का उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय युद्ध का माहौल हर जगह चला है। अगर किसी डेमन गॉड ने हायू को देख लिया तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए उन्होंने लॉन्ग हाउचेन को नाइट सेंट माउंटेन भेजा था, जहां पर जाकर लॉन्ग हाउचेन अपने लिए कोई दूसरा बिस्ट पार्टनर चुन सके, जिसका उपयोग करके वह डीमंस को मारकर 1 करोड़ क्रेडिट पॉइंट्स को अर्न कर सके। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह अपने ऊपर मास्क लगा लेता है और अपने ऊपर एक अजीब सा कपड़ा पहन लेता है, जिससे लॉन्ग हाउचेन का पूरा शरीर दिख ही नहीं रहा था और उसकी आंखें ही बस दिख रही थी। लॉन्ग हाउचेन अपने पंखों को खोलता उड़ता हुआ सीधे नाइट सेंट माउंटेन की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर की यात्रा के बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वह नाइट सेंट माउंटेन पर पहुंच जाता है। उसके सामने एक बूढ़ा एल्डर प्रकट होता है और वह पूछता है कि तुम कौन हो। लॉन्ग हाउचेन अपना मास्क और वह कपड़ा हटा देता है। लॉन्ग हाउचेन के शरीर पर गोल्ड एसेंस फाउंडेशन आर्मर को देखकर वह बूढ़ा काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वह समझ जाता है कि लॉन्ग हाउचेन लेवल 8 का कल्टीवेटर है। लेकिन उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि लॉन्ग हाउचेन इतना छोटा है अभी और लेवल 8 पर है। उसके बाद बूढ़ा पूछता है तुम कौन हो, तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मेरा नाम लॉन्ग हाउचेन है। तो बूढ़ा एल्डर शॉक में कहता है तुम लॉन्ग हाउचेन हो, तो लॉन्ग हाउचेन कहता है क्या आप मुझे जानते हैं। तो बूढ़ा एल्डर कहता है तुम्हें कौन नहीं जानता, तुमने 72 डेमन गॉड के पिलर को डिस्ट्रॉय करके एक नया इतिहास बनाया है। वैसे तुमने सही किया कि जो ये कपड़ा और मास्क लेकर चले हो, वैसे इस कपड़े और मास्क को हर जगह निकाला मत करो। इस समय युद्ध का माहौल चल रहा है और कहीं भी डेमन हो सकते हैं, अगर उन्हें पता चल गया तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा खतरा आ सकता है। तो बूढ़ा एल्डर पूछता है वैसे तुम बताओ आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। तो लॉन्ग हाउचेन कहता है मुझे यहाँ से एक बिस्ट पार्टनर की जरूरत है। तो बूढ़ा एल्डर कहता है ठीक है चलो। उसके बाद जो बूढ़ा एल्डर होता है वह नाइट सेंट माउंटेन की एकदम चोटी पर लॉन्ग हाउचेन को उड़ते हुए लेकर जाने लगता है। लॉन्ग हाउचेन के पास हायू था, लेकिन लॉन्ग हाउचेन ने उसे 1.5 साल से समान नहीं किया था। लॉन्ग हाउचेन तो 1.5 साल से गहन ध्यान में था और हायू की पावर कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है लॉन्ग हाउचेन ये भी नहीं जानता है। हायू अभी अपनी कल्टीवेशन करके पावर्स को बढ़ा रहा है और उसकी पावर का अंदाजा अभी लॉन्ग हाउचेन को एकदम नहीं है। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो बूढ़े एल्डर के साथ नाइट सेंट माउंटेन की चोटी पर पहुंच जाता है और बूढ़ा एल्डर कहता है देखो यहाँ पर बहुत ही सारे बिस्ट हैं, इनमें से जो बिस्ट तुम्हें पसंद आए तुम उसे अपना बना सकते हो। उसके बाद जो लॉन्ग हाउचेन होता है वो उन बिस्ट के सामने जाता है और अपना सन ऑफ लाइट का ऑरा वहाँ पर छोड़ता है। सन ऑफ लाइट की ऑरा को देखकर वहां पर बहुत सारे बिस्ट लॉन्ग हाउचेन के पास आ जाते हैं। लॉन्ग हाउचेन को विश्वास नहीं था कि इतने सारे बिस्ट उसके पास आ जाएंगे। वहां पर लगभग 100 से भी ज्यादा बिस्ट लॉन्ग हाउचेन के चारों तरफ घूमने लगते हैं और वह लॉन्ग हाउचेन से बोल रहे थे कि लॉन्ग हाउचेन उन्हें अपना बिस्ट पार्टनर मान ले, क्योंकि अगर वो सन ऑफ लाइट के साथ रहे तो उनकी कल्टीवेशन काफी स्पीड के साथ बढ़ेगी, पर लॉन्ग हाउचेन ऐसा नहीं कर सकता था। लॉन्ग हाउचेन को एक काफी ज्यादा मजबूत बिस्ट पार्टनर की जरूरत थी और यहाँ पर जो बिस्ट पार्टनर थे वो लेवल 6 और लेवल 7 के थे और बहुत सारे तो लेवल 4 के भी थे। उसके बाद लॉन्ग हाउचेन इधर उधर देखने लगता है, तभी लॉन्ग हाउचेन की नजर ऊपर आसमान में उड़ते हुए यूनिकॉर्न के झुंड पर पड़ती है। वो कोई नॉर्मल यूनिकॉर्न नहीं बल्कि स्टारलाइट यूनिकॉर्न थे। स्टारलाइट यूनिकॉर्न का झलक हमें यांग वांग झाओ के पास दिखा था। उसके बाद वहां पर जो लॉन्ग हाउचेन होता है उसकी नजर स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग पर पड़ती है। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग एक लेवल 9 के एडवांस स्टेज का बिस्ट था, मतलब वो लेवल 8 के एडवांस स्टेज का आदमी का आसानी से सामना कर सकता है। लॉन्ग हाउचेन उस स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग के पास जाता है और अपना ऑरा छोड़ता है, तो वह स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग लॉन्ग हाउचेन की तरफ देखता है। लॉन्ग हाउचेन उसके पास जाकर कहता है क्या आप मेरा बिस्ट पार्टनर बनेंगे, तो स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग उसे देखता है ध्यान से और फिर कहता है नहीं मैं आपका बिस्ट पार्टनर नहीं बन सकता, आपके पास पहले ही एक बिस्ट पार्टनर है, तो आप मुझे अपना बिस्ट पार्टनर क्यों बनाना चाहते हैं।
तो लॉन्गहाउसेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग को बताता है कि ह्यूमंस और डेमंस के बीच में बहुत ही भयानक युद्ध चल रहा है और इस समय वह अपने बीस्ट पार्टनर का उपयोग किसी कारणवश नहीं कर सकता, जिसके कारण उसे एक मिशन पर जाना है। उसे एक बिस्ट पार्टनर की जरूरत है और लॉन्गहाउसेन स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग से कहता है कि आपको मुझसे कॉन्ट्रैक्ट में बांधने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप मेरा सहायता करिए। तो वहां पर स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग लॉन्गहाउसेन से कहता है ठीक है। उसके बाद जो स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग होता है वह अपने झुंड के पास जाता है और अपने झुंड को विदाई देता है। उसके बाद जो लॉन्गहाउसेन होता है वह स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग के पीठ पर बैठ जाता है और जैसे ही लॉन्गहाउसेन उसकी पीठ पर बैठता है दोनों की बॉडी के अंदर से बहुत ही स्ट्रांग ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर वहां पर बीस्ट काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। नाइट सेंट माउंटेन के बीस्ट इस माउंटेन से बाहर नहीं जा सकते थे। स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग लॉन्गहाउसेन को बैठाकर उड़ते हुए नाइट सेंट माउंटेन से बाहर चला जाता है। उसके बाद जो लॉन्गहाउसेन होता है वह जब स्टारलाइट किंग के पेट पर बैठकर सवारी कर रहा था तब वह स्टारलाइट किंग से पूछता है आप मेरे बीस्ट पार्टनर नहीं हैं, तो अगर आपको छुपाना हुआ तो मैं क्या करूँगा। तो वहाँ पर स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग कहता है तुम इसकी चिंता मत करो लॉन्गहाउसेन, और तुरंत एक टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है और स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग के सींग से एक स्टार सीधे लॉन्गहाउसेन के पास चला जाता है और स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग लॉन्गहाउसेन को बताता है कि तुम इसका उपयोग करके जब चाहे तब मुझे इसमें छुपा भी सकते हो और मुझे समान भी कर सकते हो, और लॉन्गहाउसेन वह स्टार रख लेता है। उसके बाद वो लोग उड़ते उड़ते जा रहे थे तभी स्टारलाइट यूनिकॉर्न किंग लॉन्गहाउसेन से कहता है कि आसपास खतरा है। तो लॉन्गहाउसेन कहता है मैं जानता हूँ, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है एक डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल को जिसमें 10 डेमन थे और इनमें से एक फीट कमांडर भी था जो लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर था, और यही फीट कमांडर लेवल 8 के एडवांस स्टेज का कल्टीवेटर इन लोगों का कैप्टन था। उसके बाद वो लोग लॉन्गहाउसेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। लॉन्गहाउसेन ने अपने मुंह और पूरे शरीर को काले कपड़े में ढका हुआ था और जैसे ही डेमन हंट स्क्वाड रिमूवल के डेमन्स को यह पता चला था कि यहाँ पर से एक नाइट अकेला ही एक स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठकर उड़ता हुआ जा रहा है, वो लोग तुरंत उसे मारने के लिए आ गए थे। वो लोग जानते थे कि उन्हें ऐसा मौका फिर से नहीं मिलेगा। वो लोग इस स्टारलाइट यूनिकॉर्न को देखकर समझ जाते हैं कि ये बंदा कोई नॉर्मल बंदा तो होगा नहीं, क्योंकि स्टारलाइट यूनिकॉर्न एक लेवल 9 के एडवांस स्टेज का बीस्ट था और उसके पास एक लेवल 8 के एडवांस स्टेज वाले आदमी जितनी पावर थी। और इस स्टारलाइट यूनिकॉर्न की सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि यह अटैक नहीं कर सकता, लेकिन यह अपने ओनर को ऐसे ऐसे फायदे प्रोवाइड करता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। उसके बाद वहाँ पर जो फीट कमांडर उनका कैप्टन होता है वह कहता है कि नाइट आज तूने अपनी जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी कि तू यहाँ पर अकेले ही घूम रहा है, तू नहीं जानता क्या युद्ध का माहौल चल रहा है, आज तू मेरे हाथों मरेगा। उसके बाद फीट कमांडर और सारे डीमन जोर जोर से हंसने लगते हैं। लॉन्गहाउसेन कुछ बोलता नहीं है बल्कि धीरे से अपना स्वॉर्ड ऑफ नेचर को समन कर लेता है और कहता है आओ देख लिया जाए कौन ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद जो फीट कमांडर होता है वह तुरंत लॉन्गहाउसेन की तरफ अपनी स्वॉर्ड लेकर बढ़ने लगता है। लॉन्गहाउसेन स्पिरिचुअल हाईलैंड टेक्निक को परफॉर्म करके हवा में दौड़ते हुए इतनी स्पीड के साथ उस फीट कमांडर के पास पहुंचता है और एक ही अटैक में उस फीट कमांडर के शरीर के दो टुकड़े कर देता है। और इस नज़ारे को देखकर वहां पर जितने भी अदर डीमंस थे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। लॉन्गहाउसेन ने स्पिरिचुअल हाईलैंड टेक्निक परफॉर्म करके अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को 3 गुना कर दिया था, मतलब उसके पास स्पिरिचुअल एनर्जी 30,000 थी, लेकिन जब उसने अटैक किया तो 90,000 स्पिरिचुअल एनर्जी हो गई। और ये स्पिरिचुअल हाईलैंड टेक्निक उसने अपने दादाजी को परफॉर्म करते हुए देखा था, जिसके कारण लॉन्गहाउसेन ने यह टेक्निक भी सीख ली थी। उसके बाद वहां पर जितने भी डेमन होते हैं वह सीधे लॉन्गहाउसेन पर अटैक करने लगते हैं। लॉन्गहाउसेन उड़ता उड़ता दौड़ता दौड़ता हवा में उन लोग को मारने लगता है और वहां पर जो स्टारलाइट यूनिकॉर्न था वो अपने सिंग से लॉन्गहाउसेन पर एक रस्सी फेंक कर जब भी कोई डेमन उसे पीछे से मारने वाला होता था उसे पकड़कर फिर से अपने पास खींच लेता था, और ऐसे करते करते लॉन्गहाउसेन थोड़ी ही देर में सभी डीमंस को मार देता है। केवल अब 3 ही डेमन बचे थे जो लॉन्गहाउसेन की पावर को देखकर इतना ज़्यादा डर गए थे कि वहाँ पर एक भी मिनट रुकना नहीं चाहते थे और तुरंत अपने पंखों को खोलकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन लॉन्गहाउसेन तुरंत स्टारलाइट यूनिकॉर्न पर बैठता है और एक ही झटके में उन तीनों को भी मार देता है।